वेलकम टू द डिफेंस प्रोडक्शन अकेडमी दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के प्रैक्टिशन नंबर 4। तो मैथमेटिक्स के प्रैक्टिशन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे महामोटिवेशन कोटेशन की। भाई कोटेशन जो होती हैं वो क्या करती हैं, हम लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है बहुत ही ज़्यादा। ये जो आपको कोटेशन यहाँ पे लिखी हुई है आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझको भी इसने यानी कि इस कोटेशन ने क्या किया है भाई, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। मेरे अंदर क्या है, मोटिवेशनल की भावना और भी मतलब बढ़ी है। होप कि यार आप लोगों को भी ये जो कोटेशन है आपको अच्छी लगेगी। चलिए, तो कोटेशन कह दी हुई है कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर होती हैं। भाई तूफ़ान यानी कि तूफ़ान जो होते हैं, अगर तूफ़ान भी अपना पराक्रम दिखाएँ, चाहे जितना भी पराक्रम दिखा लें, जो कि जो कश्तियाँ यानी कि नावें होती हैं, अगर वो ठान लें कि नहीं हमें आगे बढ़ना ही है, तो वो क्या है, बढ़ जाती हैं, यानी कि तूफ़ान उनका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो भरोसा अगर ईश्वर पे है, भरोसा अगर ईश्वर पे है तो जो लिखा है वही पाओगे, भरोसा अगर ईश्वर पे है तो जो लिखा है वही पाओगे, भरोसा अगर खुद पर है, भरोसा अगर खुद पर है भाई, है ना, भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस नंबर 4। तो भाई पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू, यानी कि सेट थ्री का क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7 एंड b का जो सेट दिया हुआ है 1, 3, 5, 8, 10 एंड c इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, 4, 6, 7। तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, a इंटरसेक्शन b यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके ऑप्शन आपको चारों दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है इतना, बी बराबर इतना दिया हुआ है, सी बराबर इतना दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी आपका दिया हुआ है। यूनियन जो होता है आपका ये होता है, और जो इंटरसेक्शन आप होता है आपका वो ये होता है। तो ये आपको पहले निकालना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यानी कि यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो इन दोनों में जो कॉमन होते हैं वो तो लिए ही जाते हैं, जो साथ में जो शेष बच जाते हैं उनको भी लिया जाता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो सिर्फ कॉमन होते हैं उनको ही लिया जाता है और बाकी शेष को क्या कर दिया, ड्रॉप कर देता है, छोड़ दिया जाता है। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों को फिर निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होंगे, ए और बी जो सेट आपके दिए हुए हैं इनमें जो कॉमन होंगे उन पार्ट को केवल लिया जाएगा, बाकी को क्या किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा। तो ए और बी में देखते हैं कौन सा कॉमन है, थ्री कॉमन है, उसके बाद में 5 कॉमन है, इसके बाद में कोई भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इसमें कौन सा होगा, ए और बी में 3 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, तो 3, 5। अब ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए सेट और सी सेट में, इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन है। तो भाई 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। तो आपका क्या फाइंड आउट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी आपका निकल आया, ए इंटरसेक्शन सी निकल आया। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, इसका हम लोग क्या निकालना है, यूनियन। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, कि यूनियन का मैंने अभी मतलब क्या बताया कि जो दोनों में कॉमन होता है वो तो लिया ही जाता है यूनियन में, और साथ ही साथ जो छूट जाते हैं यानी कि जो ड्रॉप होते हैं उनको भी ले लिया जाता है। और जो इंटरसेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो केवल कॉमन होते हैं उन्हीं को लिया जाता है, बाकी शेष को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यूनियन में हम लोगों को सब लेना है, और जो रिपीट होंगे यानी कि जो कॉमन होंगे उनको केवल एक ही बार लिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होगा, कि जो इन दोनों में जो कॉमन है उनको तो लिया ही जाएगा, बाकी शेष को भी लिया जाएगा। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि कॉमन है, इसके बाद में आपका और कोई कॉमन है नहीं, तो बाकी बचे आपको क्रम से लिख देना है 4
इसके बाद में आ गया फाइव, इसके बाद में आ गया सिक्स, इसके बाद में आ गया सेवन। तो ये जो आपका आंसर आया कितना आ गया, कितना आया, थ्री फोर, ये कॉमा है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो भाई जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो बी होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दिया हुआ, लिमिट एक्स डैश टू जीरो ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर बी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो लिमिट का ये सवाल दिया हुआ है इसका आपको मान ज्ञात करना है। इसको आप दो प्रकार से लगा सकते हैं, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा ई की पावर एक्स का प्रसार, तो ई की पावर एक्स के प्रसार से आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंपटीशन यानी कि एयरफोर्स में अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको जल्दी करने के लिए हम लोग थोड़ा फास्ट करने के लिए इसको में लगाएंगे हम लोग एल हॉस्पिटल नियम। एल हॉस्पिटल नियम कैसे लगाएंगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल नियम लगाने के लिए हम लोगों को जो यहाँ पे, हाँ तो इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा किसे ई की पावर एक्स के प्रसार से किया होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यानी कि एल हॉस्पिटल फॉर्म से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एल हॉस्पिटल नियम क्या होता है कि जब जीरो बटे जीरो का फॉर्म यानी कि अंश में भी जीरो हर में भी जीरो हो जाए, यानी कि जीरो बटे जीरो का जब फॉर्म हम लोग दिख जाए तो वहाँ पे हम लोग कौन सा नियम लागू करेंगे, एल हॉस्पिटल नियम। तो भाई इसमें पहले रख के देखते हैं, जो लिमिट की वैल्यू यानी कि एक्स डैश टू जीरो यहाँ पे जहाँ पे आपको एक्स एक्स दिख रहा है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो अगर जीरो बटे जीरो का फॉर्म या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाए तो वहाँ पे हम लोग कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल का नियम। चलिए इसमें देखते हैं, पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो, चलिए इसमें रखते हैं ई की पावर ए इंटू जीरो माइनस ई की पावर बी इंटू जीरो, एक्स की जगह जीरो रख दीजिए, होल अपॉन एक्स यानी कि ज़ीरो। तो ये ई की पावर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा माइनस ई की पावर ज़ीरो। जब किसी की पावर ज़ीरो हो जाता है तो उसका मान कितना होता है, वन। तो वन माइनस वन अपॉन ज़ीरो, तो कितना हो जाएगा, ज़ीरो बटे ज़ीरो का फॉर्म बन गया, यानी कि इस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल नियम क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, तो लिमिट एक्स डैश टू ज़ीरो ई की पावर एक्स का फॉर्म दिया हुआ है ना, तो e की पावर x का जो समाकलन होता है, सॉरी अवकलन होता है, e की पावर x का जो dy dx होता है वो क्या होता है, e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का क्या होगा, यानी कि e की पावर ax जो दिया हुआ है तो e का क्या होगा, e की पावर ax होगा। लेकिन यहाँ पे x थोड़ी ना दिया है, यहाँ पे तो पूरा दिया हुआ है ax, तो यहाँ पे x के फॉर्म में अगर होता तो e की पावर x ही रहता, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म दिया हुआ है ax, तो यहाँ पे ax का भी द्वारा क्या होगा, अवकलन होगा। तो भाई ए एक्स का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, ए, क्योंकि एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ए आ गया आपका माइनस ई की पावर बी एक्स, तो यानी कि ई की पावर एक्स में ये भी फॉर्म दिया हुआ है, तो ई की पावर बी एक्स यानी कि ई की पावर एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स यानी कि ई की पावर बी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बी एक्स यानी कि ये क्या, एक्स क्या है, बी एक्स है, तो बी एक्स का बी आर अवकलन क्या होगा, बी होगा। एक्स का क्या हो जाता है, वन, बी कांस्टेंट है तो बी आ जाएगा, अपॉन एक्स यानी कि हर का जो क्या होगा, वन, एक्स का क्या होगा, अवकलन वन होगा। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं, तो ये होगा ए ई की पावर ए एक्स माइनस बी ई की पावर बी एक्स अपॉन वन, ठीक है ना। चलिए इधर देख लेते हैं, तो अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट रखने पर, यानी कि लिमिट रख लेंगे भाई। तो लिमिट जब रखेंगे यानी कि एक्स डैश टू ज़ीरो, लिमिट रखने पर एक्स की जगह क्या रखना है, हम लोग को ज़ीरो रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ए इंटू ई की घाते पूरा कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस बी इंटू ई की घाते ज़ीरो हो जाएगा, बटे में एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई की पावर ज़ीरो यानी कि किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी संख्या हो तो उसमें जो ई यानी कि उसकी पावर अगर क्या होता है, ज़ीरो हो जाए, तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, तो कितना बचेगा, ए माइनस बी बटे वन, तो कितना आ जाएगा आंसर, ए माइनस बी। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। तो भाई क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है, वेरी यार इजी क्वेश्चन है, यदि वाई इज इक्वल टू टू की पावर एक्स तो डी वाई डी एक्स, यानी कि आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो भाई ये क्या दिया हुआ है आपका, वाई इज इक्वल टू टू की पावर एक्स, यानी कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का अवकलन होता है क्या होता है, ए की पावर एक्स का जो डी वाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स डी वाई डी एक्स, यानी ए की पावर एक्स का जो डी वाई डी एक्स होता है, यानी कि ए की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेसी, क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेसी। इसका
ए की पावर एक्स के फॉर्म में अगर कोई आपको दिख जाए तो उसका जो आकलन होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टू की पावर एक्स, टू क्या है ए है और एक्स क्या है एक्स है, तो यानी कि ये ए की पावर एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो यानी कि ए की पावर एक्स यानी कि टू की पावर एक्स लॉग ए क्या है, टू बेस ई। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। तो भाई क्वेश्चन नंबर आपका फोर दिया हुआ है, यदि x इज इक्वल टू सी टी कम वाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी, तो डी वाई डी एक्स यानी कि आपको डिफ्रेंसिएशन, सॉरी हाँ डिफ्रेंसिएशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए इसका देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ऑकलन का क्वेश्चन है। चलिए दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू सी टी, हम लोगों को चूँकि क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले डी एक्स डी टी, चूँकि टी के पद में हम लोग ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, टी के पदों में आपको क्या ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, तो हमको पहले टी के सापेक्ष क्या करना है, हम लोगों को आकलन करना है। तो हम लोग टी के सापेक्ष आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा सी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं सेकेंड जो आपका दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी, तो वाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी, तो इसका हम लोग करते हैं भाई टी के सापेक्ष अवकलन, तो क्या होगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन टी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं सी टी की पावर माइनस वन, ठीक है ना। इसको हम लोग ऊपर ले गए, सी टी की पावर माइनस वन लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका लिखा हुआ है एक्स की पावर एन के फॉर्म में, सी चूँकि आपका क्या है कॉन्स्टेंट है, ये तो आपका बाहर आ जाएगा ऐसे ही, ये आपका दिया हुआ है एक्स की पावर एन। तो भाई एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता है आपका फॉर्मूला, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये आपका एक्स की पावर एन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या होगा एन, यहाँ पे बड़ा वेक्टर लगा सकते हैं आप, एन एक्स की पावर एक्स क्या है आपका टी एन माइनस वन, यानी कि माइनस वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा माइनस का वन इंटू टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन, ये क्या दिया हुआ है आपका टी की पावर माइनस का टू, तो जब ये आपका नीचे नीचे ले आएंगे आपका तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकेंड का, चूँकि हम लोगों को क्या निकालना है डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग डी वाई वाले पद यानी कि डी वाई बटे डी टी वाला पद ऊपर रखेंगे अंश में, ठीक है ना, और डी एक्स अपॉन डी टी वाला पद हम लोग कहाँ रखेंगे नीचे, तब हम लोगों को क्या फाइंड आउट होगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो चलिए देखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे डी वाई ओवर डी टी वाला पद, तो डी वाई ओवर डी टी वाला क्या दिया हुआ है माइनस का सी अपॉन टी स्क्वायर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आप कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका डी वाई डी एक्स, ये आपका वही फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चलिए तो डी वाई अपॉन डी टी हम लोगों ने लिख दिया माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर, अब बटे में हम लोगों को लिखना है डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ तो डी एक्स अपॉन डी टी आपका दिया हुआ है सी आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार से, कितना आ गया आपका सी। तो ये सी क्या होगा आपका, सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा आपका राइट आंसर होगा, कौन सा डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। तो भाई क्वेश्चन नंबर फाइव आप कह रहा है कि ए इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर यानी कि ए इज इक्वल टू यानी कि फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया है 13 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस ए। इसमें क्वेश्चन में आपको यह भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ए बी सी जो हैं वो आपके त्रिभुज की क्या हैं भुजाएँ हैं। तो जो ए बी सी हैं आपके
त्रिभुज की क्या दी हुई है, भुजाएं दी हुई हैं, और आपको कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए का। तो भाई फार्मूला हम लोगों को कैसे लर्न करना है, थोड़ा इसमें हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा माइंड लगाना है। माइंड क्या लगाना है कि भाई कॉस ए हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो भाई कॉस ए तो हमेशा जो माइनस के जो बाहर होगा, यानी कि माइनस के बाद वाला हमेशा जो आपको पूछा गया है वही होता है। यानी कि जो आपका कॉस ए है तो माइनस ए स्क्वायर है, और बटे में आपका ए नहीं लिया जाएगा। यानी कि जिसका आपको वैल्यू पता करनी है तो उसका जो बटे में हो उसका आपको कोई भी जिक्र नहीं करना है। तो ये देखिए सूत्र के हिसाब से कॉस ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कि माइनस के बाद माया आपका क्या आएगा, ये आएगा ए वाला पद, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे कॉस बी की, अगर बात करें हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों को बी वाला छोड़ के बाकी सब ले लेते हैं ए बी सी में। यानी कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं ए बी सी, उस हिसाब से हम लोग ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लेते हैं। ये बी दिया हुआ है तो माइनस क्या कर देंगे, बी स्क्वायर कर देंगे अपॉन में बी वाला छोड़ के टू इंटू ए सी, यानी कि टू ए सी हो जाएगा। यानी कि बी वाला आपको यहाँ पे बटे में नहीं लेना है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात कर लें कॉस सी की, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस, या चलिए यहाँ से लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, यानी कि बटे में सी वाला आपको नहीं लेना है। तो ये थे आपके कॉस ए के फार्मूले, हम लोगों को मतलब है कॉस ए से। तो चलिए कॉस ए वाला देख लेते हैं। तो भाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, क्योंकि ये साइड्स हैं, यहाँ पे आपको साइड्स पहले भी क्वेश्चन में कह रखा है कि ये ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ए बी सी आपके क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि, तो बी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर अपॉन 2bc, यानी कि 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 इंटू सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12, तो 169। यानी कि 13 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 169 प्लस 12 का कितना होता है, 144 माइनस 5 का होता है 25 अपॉन 2 इंटू 13 इंटू 12। इसकी जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे जब सब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 अपॉन 13, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी नंबर, आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भाई क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है, लिमिट x डैश टू 0 साइन x माइनस x अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिमिट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एयरफोर्स एग्जाम्स के लिए नंबर वन क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको दो प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप साइन एक्स का प्रसार, औकलन नहीं, साइन एक्स का अगर आप प्रसार आपको पता है तो आप प्रसार से कर सकते हैं, या फिर इसको अगर इसमें एल हॉस्पिटल नियम लागू हो रहा है तो आप एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं। तो इसको चलिए हम लोग करते हैं पहले प्रसार से, यानी कि साइन एक्स का जो प्रसार होता है। तो भाई जो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, चलिए प्रसार से करते हैं साइन एक्स का। तो जो भाई साइन एक्स का जो प्रसार होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। क्या होता है, एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 होता है, प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। यानी कि जो इसमें जो साइन होते हैं, यानी कि चिन्ह जो होते हैं, वो अल्टरनेट चलते हैं। कैसे चलते हैं, अल्टरनेट, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो हम लोगों को इसमें ज़रूरत है केवल दो पदों की, केवल इतने से ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लिमिट एक्स डैश टू 0, ठीक है ना, साइन एक्स का प्रसार हम लोगों ने एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, इतना केवल लिखना है, बाकी के पदों से हम लोगों को लेना देना नहीं है, इतने से ही हम लोगों को आंसर फाउंड आउट हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं इसको, साइन एक्स की जगह हम लोग इसका मान रखते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो भाई
इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स क्या हो, क्या हो गया आपका कट गया, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका माइनस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन कितना बचा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा माइनस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो भाई फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं ये ज़रा देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, अगर n फैक्टोरियल दिया हुआ है इसका हम लोगों क्या फाइंड आउट करना है, मान फाइंड आउट करना है, तो इसका मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इसको पीछे तक कहाँ तक ले जाएंगे, यानी कि 1, जब तक मान कितना ना आ जाए 1 ना आ जाए। जैसे फैक्टोरियल n को अगर सॉल्व किया जाए तो कितना होगा, ये होगा आपका n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, जब तक आपकी वैल्यू कितनी ना आ जाए 1 ना आ जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन, यानी कि तो आपका जो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, आपका आ गया यहाँ पे 3 इंटू 2 यानी कि 6 आ गया, समझ में आ गया होगा। इसी जगह अगर आपका दिया होता 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल यानी कि हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक आपका 1 ना आ जाए, आपको 1 कम करते हुए पीछे जाना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी जो वैल्यू होती कितनी होती है, 5 चौक 20 तरीका 60 दुनी 120, कितनी होती है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120 होती है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 1 बाई 6, तो ऑप ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के एग्जाम्स के लिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस आई की पावर 10 प्लस 1 सॉरी प्लस आई की पावर 100 प्लस आई की पावर 1000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी आपको वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो चलिए इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है माइनस 1, ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है 1 प्लस ये दिया हुआ है आपका आई की पावर 10, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर पर लिख दीजिए, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो आई स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं घात 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आई की पावर 10 हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर लिख दिया 100 घाते हैं तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करा देंगे आपका 50 कर देंगे, ठीक है ना, प्लस आई स्क्वायर है तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे कितना 500 का, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई जब आपस में होगा इसमें कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो ये आपका सही फॉर्म में आपका लिख गया, क्योंकि आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस 1, तो चलिए देख लेते हैं 1 प्लस यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे माइनस 1, तो भाई माइनस 1 की पावर 5 प्लस माइनस 1 की पावर 50 प्लस माइनस 1 की पावर 500, ठीक है ना। तो भाई माइनस 1 की पावर अगर सम होती तो उसका जो रिजल्ट आता कितना आता प्लस का 1 आता, यहाँ पे कितनी विषम दी हुई है यानी कि 5 दी हुई है, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस का 1 ही आएगा, 1 प्लस माइनस का 1 प्लस यहाँ पे घाते सम दी हुई है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 1 आएगा, प्लस यहाँ पे घाते सम दी हुई है तो यहाँ पे भी प्लस 1 आएगा। तो चलिए इसका सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो ये प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 कितना हो गया आपका 3, माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ए इनवर्स इसमें फाइंड आउट करना है। तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी कि कहने का मतलब जो है आपका ए 11 में कितना दिया हुआ है 1, ए 12 में कितना दिया हुआ है 2, ए 21 में दिया हुआ है आपका 3 और ए 22 में आपका दिया हुआ है 4, समझ गए ये किस फॉर्म में दिया हुआ है आपका ए 11 ए 12 ए 21 ए 22 इस फॉर्म में आपका दिया हुआ है, जो आपका किस फॉर्म में है 2x2 यानी कि आपका क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स।
आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो ए इनवर्स हम लोग जिस फाइंड आउट करते हैं ना, वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो आपका 2x2 का हो, चाहे वो आपका 3x3 का हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई अगर आपकी मैट्रिक्स है तो उसका आपको ए इनवर्स फाइंड आउट आप नहीं कर सकते हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए इसका देखते हैं ए इनवर्स निकाल कैसे निकालते हैं। ए आपका दिया हुआ है, ये इस फॉर्म में आपका दिया हुआ है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। हाँ, तो आपका ए दिया हुआ है आपका 1, 2, 3, 4। तो इसका सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या सॉल्यूशन देखते हैं इसका पहले। हाँ, तो इसका सब लोग सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका मॉडुलस। मॉडुलस क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आपका ए डी जे ऑफ ए अपॉन मॉड ए, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या पता होना चाहिए, ए डी जे ऑफ ए पता होना चाहिए, मॉड ए पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे आपका पहले मॉड ए। हाँ तो भाई मॉड ए कैसे निकालेंगे, मॉड ए निकालने क्या करेंगे, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर आप क्या लिखेंगे, -3 to 6, तो कितना आ जाएगा, -2। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, -2 निकल के आई, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या, ए डी जे ऑफ ए। ए डी जे ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका दिया हुआ है ए, जो आपका दिया हुआ है इसको भी हम लोग रफ कर लेते हैं। तो मॉड ए आपका निकल आया, तो ए डी जे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपका ये आपका दिया हुआ है जो ए, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि जो आपका रो, यानी कि जो आपका ये आपका कॉलम दिया हुआ है इसको हम लोग रो में कन्वर्ट कर देंगे, जो आपका जो कॉलम दिया हुआ है इसको रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इसको कहते हैं आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि परिवर्त आव्यूह। तो चलिए इसका ए का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो भाई ट्रांसपोज यानी कि जो आपका ये कॉलम दिया हुआ है इसको रो में तब्दील कर देंगे, यानी कि बदल देंगे, और जो आपका रो दिया हुआ है इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, 1 और 3 जो आपका कॉलम वाइज दिया हुआ है इसको रो वाइज में लिख देंगे, और जो आपका 1 और 2 दिया हुआ है आपका किसमें, रो वाइज में, इसको कॉलम वाइज में कर देते हैं, 1 2 हो गया। 2 4 आपका जो दिया हुआ है किसमें, कॉलम में, इसको हम लोग कर लेते हैं किसमें, रो में, तो आपका हो गया ये 2 4। चलिए तो ये आपका किस में चेंज हो गया, ट्रांसपोज में, यानी कि परिवर्त आव्यूह में। अब हम लोग इसको निकालते हैं क्या, ए डी ऑफ ए निकालना है, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं एक बी मान लेंगे मैट्रिक्स, ठीक है ना, बी मैट्रिक्स मान लेंगे, और इसका हम लोग क्या इसमें अंदर साइन लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग क्या इसको ले, यहाँ से ले, यानी कि ए 11 वाले पद से लिया जाए अगर, तो इसमें हम लोग इसको ले के चले अगर, तो इसमें क्या होगा, अगर एक को लेके चल रहे हैं तो जिसमें एक आ रहा है, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक से, अगर आप कॉलम वाइज लेना चाहें तो कॉलम वाइज ले सकते हैं, या आप रो वाइज लेना चाहें तो रो वाइज ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके मर्ज़ी के हिसाब से है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे रो वाइज, ठीक है ना। तो 1 लिया आपका, तो 1 ले लिया आपने, चलिए 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कॉलम में भी 1 दिया हुआ है, यानी कि ये आपका पूरा ड्रॉप हो जाएगा, छूट जाएगा, और ये आपका ये रो भी आपका छूट जाएगा, तो कितना आएगा आपका, 4 शेष बचेगा। अब यहाँ पे अगर 3 इसमें लिया जाए तो ये आपका पूरा छूट जाएगा, और ये आपका जो रो है ये भी छूट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। चलिए अब यहाँ पे अगर 2 की बात की जाए, तो यहाँ पे 2 जो है ये आपके यहाँ पे रो में भी दिया हुआ है इस कॉलम में, तो ये आपकी लाइन छूट जाएगी और ये वाली आपकी लाइन छूट जाएगी, तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। अब यहाँ पे अगर 4 लिया जाए आपका, तो ये आपका दिया हुआ है कॉलम में, तो ये वाली छूट जाएगी लाइन, ये आपका रो में दिया हुआ है तो ये लाइन छूट जाएगी, तो बचेगा कितना आपका, 1। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 -2 -3 1। तो ये आपका आ गया पी, यानी कि ये आपका क्या आ गया, एक प्रकार से ए डी जे आ गया, क्या आपका आ गया,
एडीजे आपका फाइंड आउट हो गया। अब हम लोगों को निकालना है आपका ए इनवर्स। तो भाई अभी मैंने आपको बताया था फार्मूला कुछ देर पहले जब मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आपका एडीजे ऑफ ए, ठीक है ना, अपॉन होता है मॉड ए होता है। तो एडीजे ऑफ ए आपका निकला है, यानी कि एडीजे ऑफ ए इसको आप लिख सकते हैं कितना निकला है, चलिए इसको हम थोड़ा रफ कर सकते हैं, इसको नीचे लिख दे रहे हैं 4 - 2 - 3 + 1। हाँ तो आपका एडीजे ऑफ ए कितना निकला 4 - 2 - 3 - 1 अपॉन मॉड ए आपका कितना दिया हुआ है माइनस का 2, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग भाग लगा देते हैं, इसमें प्रत्येक अवयव में भाग लगाएंगे माइनस टू का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, जब माइनस के 3 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3/2 आ जाएगा, माइनस के 2 में माइनस का 2 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 में माइनस 2 का भाग लगेगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा ए इनवर्स आपका निकल आएगा। तो ए इनवर्स आपका जो फार्मूला होता है इस फार्मूले के हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा भाई, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा, कौन सा ए नंबर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, तो 2 sin x into cos x इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो चलिए इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, यानी कि आपको 2 sin x into cos x या कह सकते हैं sin 2x, चूंकि sin 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin a into cos a, तो वही फॉर्म में आपका दिया हुआ है 2 sin x into cos x, यानी कि sin 2x के फॉर्म में, यानी कि sin 2x की वैल्यू आपको एक प्रकार से फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, sin x + cos x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक प्रकार से ऐसे कि इसमें आप अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ पे sin x + cos x का मान 1 कब आया होगा, जब आपका x की जगह कितना रहा होगा, या तो 0° रहा होगा, या तो आपका 0° रहा होगा, या तो आपका 90° रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब साइन 0 का मान 0 होगा तो कितना होगा 0 होगा, और प्लस cos 0 का मान कितना होगा 1, तो साइन 0 यानी कि 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। ऐसे भी आप आ गया होगा कि x की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तब आपका मान कितना आ जाएगा 1, या फिर यहाँ पे आप कितना रख दें x की जगह 90 रख दें, 90 रख देंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती 0 होती है, तो 1 + 0 = 1। तो एक प्रकार से ऐसे आपका आ गया 1, यानी कि आप x की जगह कितना रख सकते हैं 0। तो भाई यहाँ पे आपका 2 sin x into cos x, या आप कह सकते हैं sin 2x, ठीक है ना, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो sin 2x यानी कि अगर आप 0 ले रहे हैं तो sin 2 * 0 रख दीजिए, तो साइन 0 हो जाएगा टोटल, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। या आप 90 रख लें तो साइन कितना हो जाएगा 2 * 90 यानी कि 180। तो भाई कितना हो गया साइन 180 हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन 180 - थीटा, यानी कि 180 - 0 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो 180, तो उसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड चतुर्थांश में होता है, और इसमें 180 में क्या होता है कि आपके चिन्ह बदलते नहीं है, साइन का साइन ही में रहेगा। जब आपका 90 होता है 270 डिग्री होता है, तो वहाँ पे साइन क्या होता है कॉस में चेंज जाता है, यानी कि बदल जाते हैं। लेकिन जब 180 और 360 की बात होती है तो वहाँ पे साइन यानी कि आपका जो साइन कॉस टैन ये आपका नहीं बदलता है, वही बना रहता है। तो साइन 180 - 0 डिग्री तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। तो इससे भी आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आया, ठीक है ना। तो आपका कितना आ गया 0 आ गया, लेकिन इसमें एक आपकी विधि और लग जाएगी, क्या कौन सी लग जाएगी देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है sin x + cos x = 1 दिया हुआ है, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे भाई स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका sin²x + cos²x + 2 sin x into cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आपका इसमें दिया हुआ है।
हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, वन प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू वन। तो क्या होगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वन माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, आपका राइट आंसर बी नंबर आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है मैट्रिक्स का, इसमें आपसे आपका जो है कॉलम में दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है 1 4 2, सेकंड कॉलम में 2 -1 4, थर्ड कॉलम में दिया हुआ है लैम्डा 7 -6। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो भाई जब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा तो उसका जो है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा तो जो आव्यूह का मान होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो चलिए इसका मान अगर ज़ीरो होगा, यानी कि इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो, तो लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी ज़रूर। तो लैम्डा की चलिए हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो चलिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हम लोगों को अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि हम लोग चाहे इसमें रो वाइज हल कर सकते हैं, यानी कि रो वाइज हल कर सकते हैं, या फिर आप कॉलम वाइज हल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें लेते हैं हम लोग कॉलम वाइज, चलिए। हाँ तो कॉलम वाइज आपका दिया हुआ है 1 4 2, तो हम लोग कॉलम के हिसाब से हल करते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको पहले क्या बताया कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ए इनवर्स का मान क्या है, ए इनवर्स का मतलब अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो ये जो आव्यूह के जो सारणिक का मान होगा, मैंने अभी बताया था कि आव्यूह का मान जीरो, तो आव्यूह का मान नहीं बल्कि आव्यूह के जो सारणिक है, यानी कि आव्यूह का जो डिटर्मिनेंट का मतलब मान होगा वो शून्य हो जाता है। तो जो आव्यूह का डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाता है, तो चलिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग लेते हैं इसमें कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 1 4 2, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं 2 -1 4, लैम्डा 7 -6 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में, यानी कि आव्यूह को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम लोग रो वाइज लेके चलते हैं। तो लिख लिया 1, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया ए 11 से, यानी कि ये आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है, ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33। तो हम लोगों ने ए 11 के हिसाब से ले लिया, यानी कि इसको देखा जाए आई कैप से लिया। तो ये एक जिस मतलब कॉलम में और जिस रो में पड़ेगा उसको हम लोगों क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो ये आपका इस कॉलम में पड़ रहा है और इस रो में पड़ रहा है, तो इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। बचा आपका इतना पार्ट, ये जो आपका बचा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जैसे आप लोग मॉडलर निकालते थे उसी प्रकार से, जैसे हम लोग मापांक निकालते थे उसी प्रकार से इसको हल करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस 7 * 28, माइनस जे गैप होता है। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि ये ले रहे हैं कॉलम वाइज, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है ना। तो माइनस का 4, तो 4 जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उसको ड्रॉप कर देंगे। तो भाई ये इसमें कॉलम में आ रहा है तो इसको ड्रॉप करेंगे, और इस रो में आ रहा है तो इसको भी ड्रॉप कर देंगे। अब बचा आपका कौन सा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है ना, यानी कि आपका ये बचा और ये बचा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 6 2 = 12, यानी कि माइनस दिया हुआ है तो -12, फिर माइनस होगा 4 लैम्डा, प्लस जे कैप में हम लोग कौन सा ले रहे हैं, 2, क्योंकि हम लोग कॉलम वाइज चल रहे हैं। तो इसमें से 2 में, यानी जिस कॉलम में दिया होगा, जिस रो में, तो इसको भी हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो इस कॉलम में दिया है इसको ड्रॉप कर देंगे, इस रो में दिया है इसको ड्रॉप कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई होगा 7 2 = कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 14। और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस का दिया हुआ है, चूँकि माइनस पहले से होता है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का लैम्डा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना बचेगा, माइनस का 22 बचेगा, तो माइनस का 22 आ जाएगा आपका बाहर। इसके बाद में आपका प्लस का
48 हो जाएगा, ठीक है ना, 48 प्लस का हो जाएगा आपका 16 लैम्डा, 16 लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा प्लस 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो लैम्डा लैम्डा वाले एक साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 18 लैम्डा यानी कि 18 लैम्डा, प्लस ये आपका प्लस प्लस वाले एक साथ हम लोग जोड़ लेते हैं 48 और 28, तो कितना हो जाएगा आपका 40, 20 कितना हो जाएगा 60, और 8 16 यानी कि कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, 48 और कितना 28, 8 8 16 कैरी एक आया आपका, 4 2 6 1 7, तो कितना हो जाएगा 76 माइनस कितना आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 0। तो 18 लैम्डा 76 में 22 आपका चला गया, कितना बचेगा 4, यानी कि 54 बचेगा। तो ये 54 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 18 थी का 54 यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज यानी कि डिफेंस प्रिपरेशन के फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज MPS पतारा के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, जय।